तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा वाइटी। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि है पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। तो गाइस, पबजी मोबाइल इंडिया के लिए जो आरटीआई फाइल हुई थी, उसमें मेन क्वेश्चन ये पूछे गए थे, विल ए न्यू मैप पबजी मोबाइल इंडिया पब्लिशेड बाय डिफरेंट पब्लिशर हैविंग नो टाइज विद चाइना एंड अबाइडिंग बाय द रेगुलेशन ऑफ माइटी बी सब्जेक्टेड टू द प्रीवियस बैन प्लेसेड ऑन द पबजी मोबाइल नॉर्डिक मैप। तो गाइस, इसका मतलब ये कि अगर कोई नया ऐप आता है जैसे कि पबजी मोबाइल इंडिया, जिसका चाइना से कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या ये ऐप रहेगा? तो इसी पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ये रिप्लाई किए थे, दिस मिनिस्ट्री हैज नॉट बैनड फॉर पब्लिक एक्सेस द पबजी मोबाइल नॉर्डिक मैप लिविक ऐप अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका मतलब गाइस कि जो पबजी मोबाइल है उसे सिर्फ प्ले स्टोर से हटाया गया है। अगर आप कोरियन वर्जन खेलना चाहोगे तो उसका एक्सेस अभी तक नहीं गया है। आप चाहो तो पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन खेल सकते हो, इससे कोई रूल ब्रेक नहीं होता है। एंड अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर आप पूरा आर्टिकल को पढ़ सकते हो। एंड अब यहां पे पबजी मोबाइल इंडिया की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों में उसका नया ट्रेलर भी आने वाला है, जैसा कि टेक्निकल गुरुजी ने अपनी कल की वीडियो में बताया था। तो आप भी देखो उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट। क्या आता है यहाँ पे पबजी को लेके, और भैया खबर निकल के आई है, बहुत ही खुशियां इंटू 100 साथ में लेके आती हुई। जहाँ पर दोस्तों ये अभी लगता है कि पबजी का एक नया टीजर आने वाला है, और ये दोस्तों 15 से 19 जनवरी के बीच में लॉन्च होने वाला है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से दोस्तों इसका मतलब जो गेम है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब पूरी प्लानिंग चल रही है। और ऐसे में अचानक से कुछ तो हमको झटका लगने वाला है, मतलब पबजी जो है वो दोस्तों कुछ शायद बड़ा लेके आएगा इंडिया में। तो अभी यहाँ पे एक खैर वीडियो दोस्तों लीक किया, उसके बाद में चीज़ें जो है वो और फैलती गई। तो अभी के लिए खबर ये है कि पबजी का नया ट्रेलर आने वाला है, नया टीजर आने वाला है दोस्तों। ये होगा 15 से 19 जनवरी के बीच में। लेट्स सी कि कब आता है, और उसके बाद में गेम वापस कब आता है, और क्या ये फौजी के साथ साथ इंडिया में एंट्री लेता है या थोड़ा रुक के। वैसे खबर अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक अभी का अभी करिए। तभी मैं सोचूं कि मैक्सटन अपने ट्विटर में ये ट्वीट क्यों किए थे कि ए डेडली अनाउंसमेंट बिटवीन जनवरी 15 टू जनवरी 19 सून हैशटैग कंफर्मड एल्स विल डिलीट माय ट्विटर। मतलब मैक्सटन के भी कहने का मतलब ये था कि 12 से 19 जनवरी के बीच कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, अगर नहीं हुआ तो वो अपना ट्विटर डिलीट मार देंगे। शायद पबजी मोबाइल का ट्रेलर आने वाला है, इसी को लेकर वो ये ट्वीट किए थे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कैरी मिनाटी के बारे में। तो गाइस, कैरी मिनाटी की अजय देवगन के साथ एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, एंड अब इतना तो कंफर्म हो चुका है कि मूवी की शूटिंग चालू हो गई है। तो चलिए अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं, जो कि है टेक्निकल सागर के बारे में। तो गाइस, आप सभी लोग को तो पता ही होगा कि टेक्निकल सागर ने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था फ्री फायर बेकार है, एंड इस वीडियो में व्यूज के मामले में गजब का रिस्पॉन्स मिला। आप देख सकते हो कि 500,000 प्लस व्यूज भी चले गए हैं, इवन ये वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में भी पहुंच गई है। एंड आप लाइक एंड डिसलाइक रेशियो को देख सकते हो, ये ज्यादातर फ्री फायर कम्युनिटी वालों की तरफ से डिसलाइक आए हैं। एंड पहले इस वीडियो का टाइटल था फ्री फायर बेकार है, लेकिन अब इसके वीडियो का टाइटल है फ्री फायर बेकार है क्वेश्चन मार्क। मतलब जो भी इस टाइटल को पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि क्या फ्री फायर बेकार है। मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकल सागर को भी लगा कि मुझे फ्री फायर के बारे में ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि स्प्रेडिंग ज्ञान चैनल के बारे में। तो गाइस, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि इनका जो 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल था वो डिलीट हो गया या फिर हैक हो गया है, और आज मतलब 4 से 5 दिन हो जा रहे हैं लेकिन इनका चैनल उनको वापस नहीं मिल पाया है। तो उन्होंने अपना एक चैनल ओपन किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं, और हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो गाइस, आशीष चंचलानी ने केजीएफ 2 के ट्रेलर पर अपने चैनल से कुछ कमेंट किया। वो कमेंट ये है, दिस इज हॉलीवुड लेवल, नॉट किडिंग, दिस हाइप इज रियल, यस डिजर्व द सक्सेस बिकॉज दैट मैन इज नॉट ओनली लीजेंड बट सुपर हम्बल मैन, कैन नॉट वेट। एंड उन्होंने ट्विटर पे भी ये ट्वीट किया, केजीएफ 2 टीजर वॉज लिटरली लुकिंग लाइक सम हॉलीवुड लेवल सेट, हैंड्स डाउन द बेस्ट टीजर ऑफ एनी मूवीज आई हैव सीन फ्रॉम इंडिया, द हाइप इज रियल। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि सम्राट भाई के बारे में। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग दानिश जहन के भाई गुफरान जहन को तो जानते ही होंगे। एंड गुफरान अपने इंस्टाग्राम पे COVID-19 की वैक्सीन को लेकर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, तो इसी चीज पर सम्राट भाई उनका रोस्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी स्टोरी में कुछ ये कहा, मैं परसों तक शायद डाल दूंगा लेकिन मजा आ जाएगा तुमको, और इनके पिछवाड़े में डाली मैंने वैक्सीन। जितने भी लोग पोस्ट डाल रहे हैं ना, इनमें से मैं सिर्फ एक को जानता हूँ, वो दानिश का जो भाई है उसको। सीधा कह रहा हूँ, जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना जिनने वैक्सीन को लेकर डाला, अगर एक बाप से पैदा हुए हो तो मेरी वीडियो आने के बाद पोस्ट मत डिलीट करना, अगर एक बाप से हुए हो। तो चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो गाइस, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को बैन कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ ट्वीट्स किए थे। एंड आप लोग को तो पता ही होगा कि अभी वाले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, एंड अभी के जो करंटली प्रेसिडेंट है वो जो बिडेन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार नहीं मान रहे हैं। एंड ट्रंप के जितने भी समर्थक है वो वाशिंगटन डीसी में जाके बहुत ही हंगामा कर रहे थे, कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर उन्होंने फायरिंग भी की। एंड इसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट,
थे सभी अकाउंट्स को बैन कर दिया गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि उनका अकाउंट कितने देर के लिए बैन किया, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल में 5 दिन, किसी में 12 घंटे, किसी में 24 घंटे लिख रहा है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है इलोन मस्क के बारे में। तो गाइस पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस थे, लेकिन कल इलोन मस्क पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन गए और इलोन मस्क की नेटवर्थ 187 बिलियन है। भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उनको कैसा फील हो रहा होगा, कोई कमेंट करके बता सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यूज सबमिशन का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर वहां से जाकर आप मुझे कोई न्यूज भेजते हो तो उसका क्रेडिट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।